हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फार्मेसी नोट्स बाय यूएस। टुडे वी डिस्कस मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट पार्ट फर्स्ट। टॉपिक के अंदर अपन बात करेंगे मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट की और इसके रूल की, कि इसके अंदर जो प्रिपरेशन ये एक्ट है वो आया कैसे, इसके अंदर कौन कौन से रूल एंड रेगुलेशन हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन की, तो इसके अंदर एक चीज़ आती है अल्कोहल। अल्कोहल के अगर अपन यूज़ देखें तो अल्कोहल के बहुत सारे यूज़ हैं। सबसे पहले अगर अपन इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो बहुत सारी ड्रग्स हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होती है, तो अल्कोहल को अपन एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं उनके अंदर। दूसरा, बहुत सारी टॉयलेट प्रिपरेशंस के अंदर अल्कोहल यूज़ किया जाता है, बहुत सारे परफ्यूम्स में अल्कोहल यूज़ किया जाता है, और साथ ही साथ जो अल्कोहल है वो ड्रिंकेबल भी है। बट इन सब चीज़ों में अगर अल्कोहल की अपन यूज़ देखें तो मैन्युफैक्चरिंग और यूज़ के हिसाब से इसके काफ़ी सारे लीगल यूज़ भी हैं और काफ़ी सारे इलीगल यूज़ भी हैं। तो हर स्टेट के अकॉर्डिंग पहले के टाइम पे क्या होता था कि हर स्टेट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एक्साइज ड्यूटीज लगती थी इसके ऊपर, यानी कि बनाने के समय जो अल्कोहल निर्माण की जो संस्थाएं हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको अलग अलग कर चुकाने पड़ते थे अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट स्टेट। तो इसके चक्कर में जो स्मगलिंग्स है वो बहुत ज़्यादा होती थी। तो उन सब चीज़ों को रोकने के लिए और एक कॉमन एक्साइज ड्यूटी, एक कॉमन जो एक्साइज है, जो अमाउंट है, वो लेने के लिए इस रूल का निर्माण किया गया, जिसके कारण जो सारी की सारी जो स्मगलिंग है इन कंट्री वो काफ़ी कंट्रोल की गई। अभी भी कंट्री टू कंट्री स्मगलिंग होती है, बट एक अपनी कंट्री के अंदर इस रूल को जो है कि एक्ट को एस्टेब्लिश किया गया। ये जो मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट है, इट वॉज पास इन 1955 एंड रूल वो पास इन 1956, यानी कि ये जो एक्ट है वो पास किया गया 1955 में। इसका मेन रीज़न क्या था कि जो भी जो एक्साइज ड्यूटीज हैं, जो भी लेवीज हैं, वो सारी की सारी कंट्रीज के अंदर सेम हो जाए अपने वाली, ताकि जो स्मगलिंग्स हैं या जो मिसयूज हैं वो अपन कंट्रोल कर सकें। साथ ही साथ जो ये एक्ट है वो रूल में आया 1956 में और इसको फोर्सफुली इसको पूरे के पूरे कंट्री में अप्लाई किया गया 1 अप्रैल 1957। की अगर बात करें कि इस रूल के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, तो द प्रोवाइड फॉर द कलेक्शन ऑफ लेवी एंड ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन कंटेनिंग अल्कोहल, नारकोटिक ड्रग्स एंड नॉन नारकोटिक। यानी कि जो इस मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो भी ड्यूटीज हैं, जो भी कर हैं, इस जो नारकोटिक ड्रग्स या अल्कोहल के निर्माण के समय लिए जाते हैं, उन सब का कलेक्शन, एक कॉमन कलेक्शन इसका मेन उद्देश्य था। टू प्रोवाइड फॉर यूनिफॉर्मिटी इन द रूल एंड रेट ऑफ एक्साइज ड्यूटीज लाइवेबल ऑन सच प्रिपरेशन थ्रू आउट द कंट्री। दूसरा, क्योंकि स्मगलिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी इंटर स्टेट के अंदर, एक जगह पर दूसरी एक्साइज ड्यूटीज लगती थी, एक जगह दूसरी थी, तो उन चीज़ों को लोग कम करने के लिए क्या करते थे, दूसरी जगह से सामान मंगाते थे। तो उन सबको यूनिफॉर्म करने के लिए कि नहीं भाई पूरी कंट्री में सेम एक्साइज ड्यूटीज रहेंगी, इस तरीके की प्रिपरेशन के लिए इस एक्ट का निर्माण किया गया। थर्ड इज टू प्रिवेंट मिस यूज ऑफ एल्कोहल एंड इसको ट्रांसपोर्ट। तीसरा है कि जो भी संस्था है जो कि एल्कोहल बना रही है, सपोज वो इंडस्ट्रीज़ को दे रही है या वो किसी कॉलेज को दे रही है प्रैक्टिकल्स के लिए, तो उसमें से उसके बीच में उसका मिसयूज़ भी किया जाने लगा था, तो उस मिसयूज़ को रोकने के लिए भी इस एक्ट को है जो कि एस्टैब्लिश किया गया। फोर्थ वन इज़ टू प्रोवाइड फॉर एग्जॉस्टिक रूल्स एंड प्रोविजन आर प्रोवाइडेड टू कवर ऑल टाइप ऑफ प्रिपरेशन कंटेनिंग अल्कोहल इंक्लूडिंग होम्योपैथिक प्रिपरेशन। दूसरा, एक रूल बनाया गया जिसके अंदर सब चीज़ें जैसे कि होम्योपैथिक मेडिसिन या कोई भी प्रिपरेशन जहाँ पे अल्कोहल यूज़ किया जा रहा है, वहाँ पे आपको सारी की सारी चीज़ों का जो है निर्माण बताना पड़ेगा या सारी की सारी जो रेगुलेशन है वो फॉलो करनी पड़ेगी, उसके हिसाब से भी इस एक्ट को बनाया गया। अब अगर इस एक्ट को पढ़ें कि इस एक्ट के अंदर अपने को क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, लाइसेंस किस किस को मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग में जो बॉन्डेड लेबोरेटरीज हैं वो क्या होती हैं, नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरीज क्या होती हैं, तो उससे पहले अपन बात करेंगे कुछ डेफिनेशंस की, यानी कि इसको पढ़ने के समय अपने को कौन कौन से शब्द हैं जो कि बार बार देखने को मिलेंगे उनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। उसके बाद अपन बात करेंगे कि इसको लाइसेंस कौन कौन ले सकता है, जो ऑफिसर है वो क्या क्या रेगुलेशंस के अंदर नोट करता है, और अगर कोई ऑफेंस करता है तो पेनल्टीज क्या क्या रहेंगी। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन डेफिनेशंस अंडर एक्ट। सबसे पहले बात करेंगे डेफिनेशन अल्कोहल की। अल्कोहल को अगर डिफाइन किया जाए तो अल्कोहल मींस इथाइल अल्कोहल ऑफ एनी स्ट्रेंथ एंड प्योरिटी हैविंग केमिकल कंपोजिशन C2H5OH। यानी कि अल्कोहल वो है जो इथाइल अल्कोहल कोई भी प्योरिटी और कोई भी कंपोजिशन और कोई भी कंसंट्रेशन का जिसका केमिकल फॉर्मूला है C2H5OH। यानी कि पूरी की पूरी एक बात आ गई पेय पदार्थ की, यानी कि ये अल्कोहल पेयबल है, यानी कि इसको पी सकते हैं। फिर है ड्यूटेबल गुड्स। द मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल एज बीइंग सब्जेक्ट टू द ड्यूटीज ऑफ एक्साइज लेवर्ड अंडर द एक्ट। यानी कि ड्यूटेबल गुड्स वो गुड्स हैं जो कि अपन कोई भी प्रिपरेशन बना रहे हैं मेडिसिनल टॉयलेट प्रिपरेशन, उसके अंदर अपन कोई ऐसा एजेंट डाल रहे हैं जिसके ऊपर अपने को एक्साइज ड्यूटीज देनी पड़ेंगी उस चीज़ को ऐड करने के लिए या उसको बनाने के लिए, दे आर ड्यूटेबल गुड्स। बात करते हैं एक्साइज ऑफिसर।
An excise officer of the excise department of any state of any person empowered to exercise all or any of the power of the excise officer under the act. यानी कि एक्साइज ऑफिसर वो हैं जो भी जहाँ भी जिस संस्था या जिस मैन्युफैक्चरर के अंदर भी अल्कोहल या इस तरीके के नारकोटिक सब्सटेंस बन रहे हैं, तो वहाँ पे जो एम्पावरमेंट है, वहाँ पे जो रूल सेट कर रहे हैं, उन्हें अपन एक्साइज ऑफिसर बोलेंगे. वो किसी भी स्टेट के हो सकते हैं. मैनुफैक्चर की अगर डेफिनेशन की बात करें तो दे इंक्लूड एनी प्रोसेस इंसिडेंटल टू एन एनसीडी टू द कम्प्लीशन ऑफ द मैनुफैक्चरिंग ऑफ एनी ड्यूटेबल गुड्स. यानी कि मैनुफैक्चर यहाँ पर जो टर्म आ रही है वो ड्यूटेबल गुड्स बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स के लिए आ रही है जो कि इस तरीके के गुड्स का निर्माण करते हैं. मेडिसिनल प्रिपरेशन की डिफाइन करें तो इंक्लूड ऑल द ड्रग्स विच आर रेमेडी और प्रिस्क्रिप्शंस प्रिपेयर्ड फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज फॉर ह्यूमन बीइंग और एनिमल एंड सब्जेक्ट्स इंटेंडेड टू बी यूज फॉर ट्रीटमेंट माइटिगेशन प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इन ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स. यानी कि मेडिकल प्रिपरेशन की डेफिनेशन की बात करें तो वो सारी मेडिसिन जो कि अब जो ह्यूमन बीइंग है या जानवर हैं जो इंटरनली एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, एक्सटर्नली एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, वो किसी ना किसी बीमारी का इलाज करने के लिए, बीमारी का पता करने के लिए या फिर किसी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए ह्यूमन बीइंग्स या फिर एनिमल्स के थ्रू ली जा रही है, उसे अपन मेडिकल प्रिपरेशन कहेंगे. नारकोटिक ड्रग एंड नारकोटिक्स की बात करें तो दे मीन्स यानी कि नशीले पदार्थ. यानी कि दे मीन्स द सब्जेक्ट विच इज कोका लीफ, कोका डेरिवेटिव, ओपियम, इंडियन हैम्प एंड शैल इंक्लूड एनी अदर सब्सटेंस कैपेबल ऑफ कॉजिंग और प्रोड्यूसिंग इन ह्यूमन बींग डिपेंडेंस, टॉलरेंस एंड विड्रोवल सिम्टम्स विच द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बी नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट डिक्लेयर्ड टू बी द नारकोटिक ड्रग एंड नारकोटिक्स. यानी कि नारकोटिक एंड नारकोटिक्स की डेफिनेशन की बात करें तो एग्जाम्पल उन्होंने ये कह दिए हैं कि भाई जो कोका लीव्स हैं, कोका डेरिवेटिव्स हैं, ओपियम हैं, इंडियन हैम्प हैं, ये सब के सब नारकोटिक हैं. इसके साथ ही वो प्रोडक्ट भी जो कि ह्यूमंस के अंदर डिपेंडेंसी क्रिएट करता है, टॉलरेटिबिलिटी देता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ह्यूमन उस चीज़ को कंज्यूम कर सकता है जैसे कि अल्कोहल, और उसको छोड़ने पर ह्यूमंस के अंदर कोई विड्रोवल सिम्टम्स आ सकते हैं, उन सबको नारकोटिक एंड नारकोटिक्स में डाला गया है. कि कौन कौन सी चीज़ें इन नारकोटिक्स ड्रग्स के अंदर आती हैं या फिर डेंजरस ड्रग्स हैं, तो जैसे कोका लीफ, हैम्प, हैम्प के अंदर गांजा, चरस, भांग एंड मिक्सचर्स. हैम्प एक तरीके के फ्रूट हैं, इसके पार्ट के हिसाब से गांजा, चरस, भांग और इसके मिक्सचर्स को क्रिएट किया जाता है. ओपियम, मैन्युफैक्चर ड्रग्स भी होती हैं जो काफ़ी सारी नारकोटिक के अंदर आती हैं जिसे सिंथेसाइज किया जाता है, जैसे कोका डेरिवेटिव्स लाइक क्रूड कोकेन, इर्गोटेन, कोकेन एंड अदर प्रिपरेशंस, मेडिकल हैम्प एंड ओपियम डेरिवेटिव्स लाइक मेडिसिनल ओपियम, प्रिपेयर्ड ओपियम, मॉर्फिन, डायसिटाइल मॉर्फिन एंड अदर प्रिपरेशन, इनको लैब में सिंथेसाइज भी किया जाता है. फिर है टॉयलेट प्रिपरेशंस. दे मीन्स एनी प्रिपरेशन विच इज इंटेंटेड फॉर यूज इन टॉयलेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी और इन परफ्यूमिंग अपीयर ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन और एनी सब्सटेंस इंटेंटेड टू क्लीन, इंप्रूव एंड अल्ट्रा कॉम्प्लेक्शन ऑफ हेयर, स्क्रीन, टीथ, इंक्लूड डिओड्रेंट एंड परफ्यूम. यानी कि वो सारी की सारी टॉयलेट प्रिपरेशन जो कि एक ह्यूमन आदमी टॉयलेट के अंदर यूज़ करता है, साथ ही साथ उसकी जो अपीयरेंस है उसको भी बढ़ाने के लिए हेल्प करते हैं, जैसे कि हेयर कलर है, स्किन है, उसके टीथ हैं, लाइक सारा कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, उन सबको अपन टॉयलेट प्रिपरेशंस कहेंगे. एब्सोल्यूट अल्कोहल. एब्सोल्यूट अल्कोहल को अगर डिफाइन करें तो इट इज़ जस्ट अ डिहाइड्रेटेड अल्कोहल. यानी कि इसके अंदर कोई भी वाटर का अमाउंट नहीं है, इट इज़ प्योर. तो द मीन अल्कोहल कन्फर्मिंग टू द ब्रिटिश फार्माकोपेयर स्पेसिफिकेशन फॉर डिहाइड्रेटेड अल्कोहल. यानी कि 99% इज अ प्योर अल्कोहल, इसके अंदर वाटर बिल्कुल भी एड नहीं है. दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट अल्कोहल, एब्सेंस ऑफ वाटर इन अल्कोहल. फिर अब बॉन्डेड मैनुफैक्चरिंग एंड नॉन बॉन्डेड मैनुफैक्चरीज. अब जहाँ पे भी अल्कोहल या नारकोटिक्स का मैनुफैक्चरिंग हो रहा है तो उसको दो तरीके की लेबोरेटरीज में डिवाइड कर दिया गया है, एक है बॉन्डेड और दूसरी है बॉन्डेड. ये सारी की सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से चलती हैं. बॉन्डेड लेबोरेटरीज और नॉन बॉन्डेड में केवल एक ही डिफरेंस है कि एक के अंदर ड्यूटीज पे करनी पड़ती हैं और एक के अंदर ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है. यानी कि एक के अंदर कर चुकाया जाता है और एक के अंदर चुकाने की आवश्यकता नहीं है. तो उस हिसाब से जो टर्म एंड कंडीशंस हैं वो भी दोनों में डिफरेंट रहेंगी और जो सिक्योरिटी पर्पज़ हैं वो भी दोनों में चेंज हो जाएंगे और जो स्मगलिंग है वो भी दोनों के अंदर है जो कि डिफरेंट पैरामीटर्स के हिसाब से रहती है. जैसे बॉन्डेड मैनुफैक्चरिंग की अगर अपन बात करें दे मीन्स द प्रीमाइसेस approved and licensed for the manufacture and storage of medicinal and toilet preparations containing alcohol, opium, Indian hemp and other narcotics drugs on which duty has not to be paid. यानी कि bonded laboratories वो हैं जहाँ पे जो duties हैं वो कर हैं, उसे pay नहीं करना पड़ता. Non-bonded की बात करें तो they mean the premises approved and licensed for the manufacturing and storage of the medicinal and toilet preparation containing alcohol, opium, Indian hemp, other narcotics drugs or narcotics on which duty has been paid. यानी कि नॉन बॉन्डेड है क्योंकि ये बंधी भी नहीं है संस्था से, तो इसके अंदर जो ड्यूटीज़ हैं वो पेड करनी पड़ेंगी, वाल बॉन्डेड के अंदर ड्यूटीज़ हैं या जो कर है उसे पे करने की ज़रूरत नहीं है.
डीनेचर एल्कोहल या डीनेचर स्पिरिट की अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो दिस मींस एल्कोहल ऑफ एनी स्ट्रेंथ विच हैज बीन रेंडर्ड अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन बाय एडिशन ऑफ सब्सटेंस अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय द स्टेट गवर्नमेंट विद अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि डीनेचर स्पिरिट की सिंपल डेफिनेशन बात करें तो जो जहरीली दारू है उसे अपन डीनेचर स्पिरिट कहेंगे। रीजन क्या है, काफ़ी सगे जो एल्कोहल बनती है उसे कंजप्शन के हिसाब से, ड्रिंक के हिसाब से वो लोग यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो उसके अंदर कुछ कुछ मिथाइलेटेड सिस्टम ऐड कर दिया जाता है जिस कारण जो एल्कोहल है वो कि डीनेचर्ड हो जाएगी, अनफिट हो जाएगी ह्यूमन कंजप्शन के लिए। अब ह्यूमन उसे कंज्यूम नहीं कर सकता तो उसकी जो स्मगलिंग है या उसका जो मिसयूज है वो भी कम होना वहाँ पर शुरू हो जाएगा। बात करते हैं फिनिश्ड स्टोर की, दे मीन्स दैट द पोर्शन ऑफ अ नॉन बॉन्डेड और बॉन्डेड मैनुफैक्चरी विच इज सेट टू अ पार्ट फॉर द स्टोरेज ऑफ इट्स फिनिश प्रिपरेशन। यानी कि बॉन्डेड या नॉन बॉन्डेड मैनुफैक्चरी का कोई भी एक ऐसा डिपार्टमेंट जहाँ पे जो भी फिनिश स्टोर है, जो भी मटेरियल जो कम्प्लीट बन चुके हैं उनको स्टोर करने का एक एरिया। लेबोरेटरी को डिफाइन करें तो मीन्स दैट पोर्शन ऑफ अ नॉन बॉन्डेड एंड बॉन्डेड मैनुफैक्चरी इन विच द एक्चुअल मैनुफैक्चरिंग ऑफ ड्यूटेबल गुड्स टेक प्लेस। यानी कि लेबोरेटरी में यहाँ पे स्पेसिफाइड लेबोरेटरी फॉर दिस चैप्टर मीन कि वो पोर्शन नॉन बॉन्डेड या फिर बॉन्डेड का जहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग है ड्यूटेबल गुड्स का लिया किया जाता है। यानी कि जो भी गुड्स हैं, जो भी केमिकल्स हैं जिनको अपने को पे करना पड़ता है बनाने के समय, उनको लैब में सिंथेसाइज किया जाता है या फिर बनाया जाता है। फिर रेक्टिफाइड स्पिरिट, रेक्टिफाइड स्पिरिट की बात करें तो यहाँ पर रेक्टिफाइड स्पिरिट को अपन दो तरीके से डिवाइड करते हैं, ओवर प्रूफ एंड अंडर प्रूफ। दे मीन प्लेन अनडीनेचर्ड एल्कोहल ऑफ स्ट्रेंथ नॉट लेस देन 50% ओवर प्रूफ एंड इंक्लूड एब्सोल्यूट एल्कोहल। यानी कि अगर 50% ओवर प्रूफ को अपन रेक्टिफाइड स्पिरिट बोल रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि वो एब्सोल्यूट एल्कोहल या वो 50% एल्कोहल जो कि पूरा का पूरा है, जो कि अनडीनेचर्ड एल्कोहल है या फिर स्ट्रेंथ है, यानी कि जो एल्कोहल है उसकी स्ट्रेंथ है जो कि 50% से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि 50% से कम एब्सोल्यूट एल्कोहल उसके अंदर नहीं हुआ तो दिस इज नोन एज 50% ओवर प्रूफ एल्कोहल एंड दिस इज नोन एज रेक्टिफाइड स्पिरिट। और 50% से कम एब्सोल्यूट एल्कोहल हुआ तो उसे अपन कहते हैं अंडर प्रूफ। रेस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशन की बात करें तो मीन्स एनी मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल इंक्लूड एवरी प्रिपरेशन डिक्लेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ रेस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशन। यानी कि वो सारी प्रिपरेशन रेस्ट्रिक्टेड जो कि निर्माण के दौरान आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ रही है, सेल के कारण भी आपको सारी की सारी डेटास को एग्जिबिट करना पड़ रहा है कि यहाँ पे इस तरीके से इसको किया गया है। यानी कि ये रेस्ट्रिक्टेड है, बिना परमिशन के ना तो आप इसे बना सकते हो और बिना परमिशन के ना इन्हें आप सेल कर सकते हो। फिर है अनरेस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशन लाइक कॉस्मेटिक्स की बात करते हैं अपन यहाँ पे, तो मीन्स एनी मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन कंटेनिंग एल्कोहल बट अदर देन रेस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशन और स्पूरियस प्रिपरेशन। यानी कि वो सारी प्रिपरेशन जिसमें हो सकता है कि एल्कोहल हो बट दे आर अनरेस्ट्रिक्टेड, उसे आप सेल भी कर सकते हैं, जैसे कि कॉस्मेटिक्स की या फिर टॉयलेट प्रिपरेशन की बात कर दी। फिर है स्पिरिट स्टोर, मीन्स दैट पोर्शन ऑफ द बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड मैनुफैक्चरी विच इज सेट अपार्ट फॉर द स्टोरेज ऑफ एल्कोहल ओपियम इंडियन हैम्प एंड अदर नार्कोटिक्स ड्रग्स और नार्कोटिक परचेज फ्री ऑफ ड्यूटीज और एट प्रिस्क्राइब डेट ऑफ ड्यूटीज। यानी कि स्पिरिट स्टोर एक तरीके से वो स्टोर है जहाँ पे जो भी नशीले पदार्थ हैं उन सबको स्टोर किया जा रहा है, चाहे वो ड्यूटेबल हो या फिर नॉन ड्यूटेबल हो। सब स्टैंडर्ड प्रिपरेशन की अपन बात करें तो इसे अपन दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट इज अ प्रिपरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन इन विच द अमाउंट ऑफ एनी ऑफ द वेरियस इंग्रेडिएंट्स इज बिलो द मिनिमम दैट द फार्माकोपियल कंपोजिशन वुड रिक्वायर। यानी कि वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट जो कि एक फार्माकोपियल कंपोजिशन को रिक्वायर्ड है उससे कम कैटेगरी के हैं, दे आर नोन एज सब स्टैंडर्ड। यानी कि जो ऑफिशियल आपका केमिकल है उससे एक लो केमिकल है कंपोजिशन के हिसाब से। सेकेंड इज अ प्रोप्राइटरी मेडिसिन विच डज नॉट कन्फर्म टू द फॉर्मूला और द टेस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स डिस्क्लोज ऑन द लेबल ऑफ द कंटेनर ऑन द कंटेनर्स। यानी कि वो मेडिसिन जो कि डिक्लेयर कर रही है कि सिस्टम के अंदर अवेलेबल होगी बट मे बी वो सिस्टम के अंदर अवेलेबल नहीं, उसका एडल्टेटेड या फिर सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट कंटेनर के अंदर अवेलेबल है, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज सब स्टैंडर्ड प्रिपरेशन। फिर है स्टैंडर्ड प्रिपरेशन, स्टैंडर्ड प्रिपरेशन को अगर डिफाइन करें तो प्रिपरेशन अदर देन अ सब स्टैंडर्ड प्रिपरेशन इज नोन एज स्टैंडर्ड प्रिपरेशन। यानी कि वो सारे के सारे प्रिपरेशन, वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स जो कि सब स्टैंडर्ड्स के अलावा हैं, यानी कि वो सारे के सारे फार्माको कंपोजिशन को डिक्लेयर कर रहे हैं, सिस्टम में जो डाला गया है उस इंसान को ही डिक्लोज कर रहा है, तो दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड प्रिपरेशन। फिर लास्ट बात करते हैं अपन वेयर हाउसेस की, एनी प्लेस ऑफ प्रीमाइसेस लाइसेंस्ड अंडर रूल 70। यानी कि एनी प्लेस जहाँ पे जो कि रूल 70 के अंदर लाइसेंस या प्रीमाइसेस को आता है उसे अपन वेयर हाउस डिफाइन कर रहे हैं। यानी कि एनी प्लेस अकॉर्डिंग टू रूल 70 जहाँ पे सिस्टम को स्टोर किया जा रहा है, दिस इज वेयर हाउस। अंडरस्टैंड एंड एंजॉय द वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।